केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने वाले बिल को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। नेशनल कैपिटल रीजन रेगुलराइजेशन ऑफ द अनऑथराइज्ड कॉलोनीज। नेशनल कैपिटल रीजन के अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पर लगातार काम चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे कई प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया था। अब वैसे लाखों लोगों को इस फैसले से राहत मिलेगी। कॉलोनियों को नियमित करने के दौरान सर्किल रेट का कुछ प्रतिशत रेगुलराइजेशन फीस के तौर पर लिया जाएगा, लेकिन अब राजधानी में रहने वाले वैसे लाखों लोग जो अलग अलग राज्यों से यहां आकर बसे हैं और ज्यादातर अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, अब इन कॉलोनियों को ऑथराइज होने से उनके अधिकार सुरक्षित हो गए हैं। अब यहाँ पर रहने वाले या यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने वाले इस पर लोन ले सकते हैं और प्रॉपर्टी की अधिकृत खरीद बिक्री कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली। इससे पहले राजधानी दिल्ली की 1797 इन अनधिकृत कॉलोनियों को पक्का करने की मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दी। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राजधानी के 79 गांवों के शहरीकरण को भी मंजूरी दी गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में कुल 1797 कॉलोनियों को नियमित करने के इस फैसले को सियासी तौर पर मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर सियासी जंग भी शुरू होगी। बीजेपी जहां केंद्र सरकार के इस फैसले का श्रेय लेने की कोशिश करेगी, तो आम आदमी पार्टी ये दिखाने से पीछे नहीं रहेगी कि इस फैसले में उसका भी बड़ा योगदान है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी की बैठक में सरकार ने कुछ अहम फैसले और लिए हैं। सरकार ने कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी कम करने का फैसला किया है, जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 51% है। बीपीसीएल में स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला लिया गया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कॉनकोर की भी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया गया है। THDCIL, NTPC, नेल्को का भी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया गया है। लेकिन जिन कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 51% है, उसका मैनेजमेंट सरकार अपने हाथ में रखेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस की 7 कंपनियों में यानी 7 CPSEs में विनिवेश को मंजूरी दी है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% है। इसका प्रबंधन सरकार के ही हाथों में रहेगा। While retaining the management control. इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फंड जुटाने की मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि NHAI टोल प्लाजा और टोल रिसिप्ट के जरिए पैसा जुटा सकती है। NHAI को पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट के लिए धन जुटाने का अधिकार दिया गया है, जो वो टोल के जरिए जुटा सकते हैं। कलेक्टिंग टोल। उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के साथ ही अहम आर्थिक मुद्दों पर मोदी कैबिनेट की तरफ से लिए गए ऐसे फैसले आर्थिक सुस्ती दूर करने में काफी कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।